रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माचवी। आज का हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर है वो है वाटर पोल्यूशन, और साथ ही हम एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड द लास्ट टॉपिक विच वुड बी हेल्थ एंड डिजीजेज। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन का देखते हैं। जैसे हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बी फाउलिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नॉन एज द पोल्यूशन विच इज़ ड्यू टू द एनी टॉक्सिक केमिकल, एनी हार्मफुल केमिकल। तो इसी तरह से अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बी फाउलिंग ऑफ द वाटर ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स इज़ नॉन एज द वाटर पोल्यूशन। तो इसको हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो आपको डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज़ कंटामिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर बेस और ओशन बाय सब्सटेंस हार्मफुल टू लिविंग थिंग इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। कि किसी भी वाटर बॉडी, चाहे वो स्ट्रीम है, चाहे वो लेक्स हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, बेस है, ओशन है, कोई भी वाटर बॉडी अगर किसी केमिकल सब्सटेंस से कंटामिनेट हो रही है और वो केमिकल सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह है तो हम उसको वाटर पोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? मेन कॉज, जो हर पोल्यूशन का मेन कॉज होता है, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी अपनी एक्टिविटीज़, जो कैनाल्स को, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स और सी वाटर को जो है वो पॉल्यूट कर रही हैं। दिस पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल्सो ह्यूमन्स। तो जिस जगह पे पोल्यूशन हो रही है वहाँ के तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे बुरे असरात पड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि यही पानी घूम फिर कर हमारे पास आ रहा है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और इसी पानी को हम ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पानी को हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें भी जो है वाटर पोल्यूशन से नुकसान हो रहा होता है। मेन सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज में हमारे पास आता है सीवेज, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, गटरों का जो पानी है उसको इनमें वाटर बॉडीज़ में शामिल किया जा रहा है विदाउट ट्रीटमेंट, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। तो ये चार कॉजेज जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। सीवेज को अगर हम देखें तो अनट्रीटेड सीवेज मस्ट नॉट बी एम्पटाइज इनटू द रिवर। तो कैसे इन्होंने मतलब आपको बता दिया कि ये कॉजेज हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं? तो करना ये चाहिए कि जो भी वाटर है, सीवेज वाटर है, उसको आपने ट्रीट किए बगैर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर नहीं डालना। सीवेज वाटर कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पॉइजनस केमिकल्स। क्यों नहीं डालना? क्योंकि हमारे पास ये ऐसा पानी है जिसमें बैक्टीरिया हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं, जहरीले मादे हैं जो पीने के पानी में शामिल होकर या एग्रीकल्चर वाटर में शामिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्टन बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ लाइक टाइफाइड एंड क्लोरा व्हेन दे गेट इनटू द ह्यूमन इंटेस्टाइन। और जाहिर है जब ये पीने के पानी के साथ शामिल हो जाएंगे और हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो फिर ये बीमारियाँ फैलाएंगे। ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, ये आते हमारे घरों से निकल रहे हैं, तो डिटर्जेंट्स, ऑयल जो है वो आमतौर पर उससे निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है। इसके अलावा बाज़ूकात ऑयल स्पिलेज हो जाता है, बैरी जहाज़ जा रहे हैं उनमें से ऑयल टैंकर्स लीक हो गए, पानी में शामिल हो गए। घरों में भी डिटर्जेंट्स के अंदर जो है वो ऑयल शामिल होता है। घरों में हमारे खाने पीने के जो बर्तन हैं उधर से आ गया, साबुन का पानी चला गया, ये तमाम पानी जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी हैज़ बिकम अ फेमिलियर इवेंट किलिंग लाइफ इन वाटर, पर्टिकुलरली लाइफ डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अदर लेवल्स। तो ऑयल पोल्यूशन इन द सीवेज, इन द सी कैसे हो रही है? ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं बैरी जहाज़ों, भी मैंने आपको बताया कि कोई जहाज़ जा रहे हैं उनके टैंकर्स लीक हो गए, ऑयल आ गया। अब आपको पता है कि ऑयल की एक नेचर है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बल्कि वाटर की सरफेस के ऊपर ऐसे पूरी एक लेयर बना लेता है। तो जब ये लेयर बनती है ना तो लाइट जो है वो वाटर बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अब उसके अंदर जो लाइफ है, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उन तक लाइट नहीं पहुंचती, फोटोसेंसिस का प्रोसेस रुक गया। फोटोसेंसिस का प्रोसेस रुका, आहिस्ता आहिस्ता उन प्लांट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, फिर उन कंज्यूमर्स की डेथ होना शुरू हो जाती है जो इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इस तरह से वाटर बॉडी के अंदर मौजूद लाइफ को थ्रेट होता है ख़त्म होने का। वेरियस डिटर्जेंट्स ऑल्सो इंटर इन टू द वाटर फ्रॉम हाउस एंड लॉन्ड्रीज टू पोल्यूट इट with various harmful effects. Some detergents contain a lot of phosphate.
तो ये हमने एल्गल ब्लूम में भी, यूट्रोफिकेशन में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो घरों से निकलने वाले डिटर्जेंट्स हैं उनमें फॉस्फेट होता है जो अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम कॉज कर सकता है. दिस इज़ नॉट रिमूव्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट एंड इज़ डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स. तो ये भी इसी तरह जैसे सीवेज ट्रीटमेंट जो है, ये सारा घर से निकला सीवेज के अंदर चला गया. सीवेज को हम अनट्रीट कर किए बगैर अनट्रीटेड फॉर्म में ही रिवर्स वगैरह में शामिल कर देते हैं. द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इनकरेज ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड यूट्रोफिकेशन. दिस मे अफेक्ट द फोर्स ऑफ दैट एक्वाटिक रिजर्वायर्स. नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम. यूट्रोफिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया, इट क्या है, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द वाटर. तो क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाटर बॉडी में, जिससे बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एलजी वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, फाइटोप्लांक्टन्स हैं. तो उनकी मौजूदगी की वजह से जो लार्ज एनिमल्स हैं, फिशेज़ वगैरह हैं, वो ग्रो, वो उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है. तो इस तरह से ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट है. लेक स्लोली डेवलप लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ विच इवेंचुअली डिके. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन बाई एडिंग. यानी हमारी एक्टिविटीज़ ने जो है वो इस प्रोसेस को बढ़ा दी है. क्या एक्टिविटीज़ है हमारी, मिनरल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज देन नेचुरल वुड प्रोवाइड एज एक्सक्रीटा. तो जो नेचर ने एक्सक्रीटा के तौर पर कर दी, यानी वेस्ट मटीरियल है उसमें जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पानी में शामिल हो रहे हैं. फॉस्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर, ये पानी में शामिल हो रहे हैं. नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, हम जो फर्टिलाइजर्स देते हैं दे आर रिच इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट. तो पानी के साथ वो रन ऑफ वाटर जिसे आप कहते हो, आपने खेतों में पानी लगाया, बारिशें हो गई, फर्टिलाइजर जो है वो उस बारिश के पानी के साथ बहता हुआ आगे आ गया. या वो लीचिंग का प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, यानी ज़मीन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर गया वाटर विथ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स, और वाटर टेबल को वो कंटामिनेट कर रहा होता है. एल्गल ब्लूम, वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ एल्जी फीड एंड रिप्रोड्यूस ऑन दिस न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग द वाटर टू टर्न ग्रीन विद एल्गल ब्लूम. यूट्रोफिकेशन के अंदर ही एल्गल ब्लूम होता है. द डेड एल्जी आर डिकम्पोज बाई एरोबिक बैक्टीरिया विच डिप्लीट द वाटर ऑक्सीजन कॉन्टेंट कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल थ्रू लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो वही वाली बात है जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब एल्जी की डेथ होती है तो एरोबिक बैक्टीरिया उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं. डिकम्पोजिशन के दौरान जो है ऑक्सीजन जो है पानी की कम होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर एक्वेटिक लाइफ की डेथ होती है. इट अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर बोथ डेवलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल. फोर्थ कॉज क्या है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट. द केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कंप्राइजेज सब्सटेंसेस कॉल्ड इफ्लुएंस. फैक्ट्रीज समटाइम टर्न वाटर वे इनटू ओपन सीवर बाय डंपिंग ऑयल, टॉक्सिक केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल लिक्विड कॉल्ड द इफ्लुएंस इनटू देम. तो फैक्ट्रीज जो हैं वो अपनी गंद को, केमिकल्स को इस तरह से वाटर बॉडी में शामिल कर देते हैं. दे ईदर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोल्यूट द वाटर, इनहिबिट देयर ग्रोथ. तो इस तरह से जो है वो पानी का जो इफ्लुएंट है वो फिर नुकसान पहुंचाता है मेरे पास. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. अच्छा, तो हम देखते हैं कि क्या हैं. सबसे पहले आप इनकी टर्मिनोलॉजीज देख लें. इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं, द केमिकल्स विच किल द इंसेक्ट्स. फंगिसाइड्स, द केमिकल्स विच किल द पैरासिटिक फंजाई. हर्बिसाइड्स, द केमिकल विच किल द वीड प्लांट्स. तो इनको फिर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं इनको मारने के लिए, इन तमाम चीज़ों को जो कि हमारी प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो एग्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, दे आर कॉमनली कॉल्ड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीशी विद देयर डेंस पॉपुलेशन आर वेरी ससेप्टिबल टू अटैक बाई इंसेक्ट्स और स्प्रेड ऑफ फंगस डिजीजेज. जो मोनोकल्चर होते हैं ना वहाँ पर बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि वहाँ पर सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, दे आर ससेप्टिबल टू अ सिमिलर डिजीज़ बाय अ सिंगल डिजीज़. तो अगर किसी एक प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक करता है, कोई एक प्लांट के ऊपर कोई फंगल अटैक होता है, तो फिर सब में स्प्रेड हो जाता है. टू कॉम्बैट दिस थ्रेट पेस्टिसाइड्स आर यूज. तो चाहे किसी भी किस्म की डिजीज़ हो, हम उसे ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं. पेस्टिसाइड क्या, इट इज़ अ केमिकल विच डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर पेस्ट और कंपिटिटर्स.
पेस्टिसाइड्स इन फूड। तो पेस्टिसाइड्स, जब हम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ पेस्ट को मारती है बल्कि वो हमारी फसल के अंदर जो फ्रूट्स हैं और जो अनाज है बाजू का, तो उसमें भी शामिल हो जाती है। तो पेस्टिसाइड्स आर इनएविटेबली पॉइजनस इन ऑर्डर टू किल द लार्जेस्ट पेस्ट। मैनी आइटम्स ऑफ आवर फूड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल पेस्टिसाइड्स। सम ऑफ दीज आर सस्पेक्टेड फॉर कॉजिंग कैंसर एंड अदर डिसऑर्डर्स, बट वेदर दे डू सो इन द वेरी लो डोज दैट वी इंजेस्ट इज नॉट सर्टन। तो ये है कि क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कैंसर कॉजिंग है, बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत लो अमाउंट के अंदर होते हैं और वैसे भी हम अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ करते हैं, तो इतनी थोड़ी अमाउंट जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाती। क्योंकि हमारा अपनी बॉडी का सिस्टम है, जिस जो हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि लीवर जो है वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देता है और बॉडी से जो है वो इलिमिनेट करवाने में हेल्प आउट करता है। सम साइंटिस्ट थिंक द लेवल आर सो लो एज टू बी नेग्लिजिबल। पीलिंग एप्पल्स एंड पोटैटोज रिमूव मोस्ट ऑफ द सर्फेस पेस्टिसाइड, बट देयर इज नॉट मच यू कैन डू टू रिड्यूस द यूज़ एंड क्वान्टिटी ऑफ पेस्टिसाइड मस्ट बी अप्रूव्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हाल ये है कितनी अमाउंट के अंदर पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है, कौन सी टाइप की पेस्टिसाइड यूज़ करनी है, ये जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ज़िम्मे होता है और उन्होंने ये क्वान्टिटी जो है वो डिसाइड करनी होती है, बतानी होती है फार्मर्स को, ये शऊर देना होता है कि उन्होंने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र्स के, आपको पता है कि हम बार बार एक ही ज़मीन पर जब बार बार फसलें उगाते हैं तो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो फिर प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बुरा इफेक्ट आता है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। तो फिर फर्टिलाइज़र्स देखते हैं क्या है। मैन मूव केमिकल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इनटू इकोसिस्टम फ्रॉम कंसंट्रेटेड नेचुरल डिपॉजिट फॉर यूज एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मेटल सोर्स फ्रॉम मिनरल ओर्स। तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल हैं, जैसे गोबर वगैरह हो गया। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसको हम मेटल सोर्सेज भी कहते हैं, जो हम खुद बनाते हैं लेबॉर्ट्री में, जैसे यूरिया हो गई जो आपने आर्टिफिशियल तैयार की, अमोनियम सल्फेट हो गया जो आपने आर्टिफिशियल तैयार किया, तो उसको भी यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज केमिकल एलिमेंट्स लीव द इकोसिस्टम बाय बीइंग लीच्ड फ्रॉम एंड ड्रेन इनटू द लीवर्स। तो ये होता है कि प्लांट्स ने इस्तेमाल कर लिया, इसके अलावा लीच करके चले जाते हैं नीचे वाटर टेबल में, चले जाते हैं वाटर टेबल में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा रन ऑफ वाटर के साथ चल जाकर रिवर वगैरह में भी शामिल हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ हद तक इनका ये नुकसान है कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो हमारी डाइट में नहीं आने चाहिए, दे मे बी टॉक्सिक। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ क्या है? स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। आप नॉर्मल स्टेट के अंदर हो, आपकी तमाम बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चल रहा है, दैट इज़ नॉन एज द हेल्थ। तो डिजीज़ क्या है? डिजीज़ में भी रेफर टू द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल और स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ द होम्योस्टेसिस थ्रू स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। नॉर्मल होम्योस्टेसिस से जैसे ही डिट्रैक हुई बॉडी, चाहे फिजिकल चेंज आ रहा है, चाहे फंक्शनल चेंज आ रहा है, चाहे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, तो उसको हम डिजीज़ का नाम देते हैं। डिजीज़ की आपको नीचे कॉजेज़ दिए हुए हैं विद देयर नेम। तो जेनेटिक कॉजेज़ अगर हम देखें, जेनेटिक और हेरिटेबल कॉजेज जिनको हम कंजेंशियल डिजीज़ भी कह सकते हैं, यानी जो नसल दर नसल जा रही है, पैदाइशी तौर पर हो रही है, तो उनमें एग्जांपल है हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है इन्फेक्शन और पैथोजेनिक और पैरासिटिक डिजीज़, जो किसी पैथोजेन की वजह से होती हैं, किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो उनमें आ जाती हैं डिफ्थेरिया, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरेला, गोनोरिया, एड्स। अच्छा, उसके बाद है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली डिजीज़, जो आपके जिस्म में किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आती हैं, उसमें स्कर्वी, बेरीबेरी, अनीमिया, गोइटर एंड क्वाशकॉर। मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स अगर हम देखें, उनमें डायबिटीज़, मेलाइटस, क्रिटिनिज्म एंड गोइटर, ये तमाम के तमाम हम पढ़ेंगे हार्मोन्स वाले चैप्टर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये डिजीज़ पढ़ेंगे हम, जो ये वाली हैं मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स वाली हैं। अच्छा, फिज़िकल डिसऑर्डर्स में कोई इंजरी की वजह से हो गई, कोई एक्सीडेंटल डिजीज़ आ गई, या कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हीट यानी हाथ जल गया, किसी कोल्ड स्टिमुलस की वजह से हो गई, या रेडिएशन की वजह से हो गई। केमिकल कॉजेज़ में ड्रग यूज़ करने से, स्मोकिंग करने से, अल्कोहल यूज़ करने से, पॉइजनिंग से भी हो सकती हैं।
एजिंग और डिजेनरेटिव डिजीज़ जो उम्र बढ़ने से होती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्टरी वॉल हार्डनिंग आ जाती हैं। मेंटल इलनेस में डैमेज ऑफ मेमोरी जो उम्र के साथ भी आमतौर पर हो जाती है, या पैदाइशी तौर पर भी ऐसा होता है, या फिर अचानक चोट लगने से भी ऐसा हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, जिसको हमने स्टडी किया, जिसको हमने डिस्कस किया। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दैट वाज चैप्टर नंबर 27। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 26 करेंगे। तो आसान आसान से चैप्टर्स हैं, फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप लास्ट में मुझसे डिस्कस करें, हर चीज़ को पूछें। चैप्टर नंबर 26 जो है हमारे पास, सब मेजर इकोसिस्टम्स हैं जिसमें हम इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।